हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डेल्स ऑन तो यहाँ आप पूछा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो किस पर डोल्व करती है क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है रोल ऑफ एनवायरमेंट इंड पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग एम फेवरेबल वेरिएशन चेंज चेंजेस इन रीन कॉम्पलेक्सेज रिजल्टिंग इन हेरिटेबल चेंजेस एंड नास नन ऑफ दबाउ तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट होगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसे दिया किसने था तो इसे गिवन बाय चार्ल्स डार्विन और उन्होंने इस थ्योरी में क्या बात करी थी ये ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है बेटी होगी एक्सप्लेन करती है कि स्पीसीज का इवोल्यूशन जो होता है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज किसके बेसिस पे होता है नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे होता है अब हम बात करेंगे कि ये स्पीसी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में होता क्या है तो यहाँ पे सर्वाइवल से पहले सर्वाइवल ऑफ़ फिटेस्ट होगा जो स्पीशीज सबसे ज्यादा फिट होगी वो सर्वाइव कर पाएगी फिर इनमें से जो सब इनमें वेरिएशनस आएंगे जो स्पीशीज सबसे ज्यादा कुछ उन्हें कुछ स्पीसी स्पीशीज होगी वो उन वेरिएशन को ज़्यादा अच्छे से एक्यूमुलेट कर पाएगी तो जो यूजफुल वेरिएशंस होंगे वो क्या होंगे उनमें आ जाएंगे और जिनमें यूजफुल वेरिएशंस होंगे उनके क्या होंगे बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के और जब रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि उस तो बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो स्पीशीज ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगी उनके नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स भी बढ़ जाएंगे तो मोर ऑफ स्प्रिंग्स यूज़फुल वेरिएशन ज़्यादा यूजफुल वेरिएशन के साथ में बॉर्न होंगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन में क्या बनना है कि नेचुरल सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है द रोल ऑफ एनवायरमेंट इन एवोल्यूशन तो ये इनकलेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है नेचुरल सिलेक्शन को बट जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है वो फोकस करती है कि कैसे वेरिएशन स्पीशीज के विद इन आए और उन्होंने एक्ट करा तो सिर्फ एनवायरमेंट का रोल नहीं होगा इसलिए इनकरेक्ट है सेकेंड है नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन फेवरेबल वेरिएशन ये सही हो जाएगा क्योंकि जो नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन होता है वहाँ पे उसका कोर आइडिया यही है कि जो फेवरेबल रेट होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे वो स्पीशीज और रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जिससे कि क्या होगा वो ट्रेस ओवर ट्रेड्स ओवर द टाइम पॉपुलेशन में जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होता रहेगा जो सी ऑप्शन है वो है चेंजेस इन जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो सोर्स ये जीन कॉम्प्लेक्स में जो होगा वो सोर्स होगा वेरिएशन का जो कि क्रूशल रोल प्ले करता है एवोल्यूशन में पर ये जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है नेचुरल सिलेक्शन खुद एक्ट करता है ऑन दिस वेरिएशंस तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा नॉन ऑफ दी अबाउ क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट है so i hope you understood it went best of luck